हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवाता है तो अल्लाह ताला रोज़ादार के अजर को कम किए बग़ैर उतना ही अजर रोज़ा इफ्तार करवाने वाले को अता फरमाता है। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं कि जो रोज़ा इफ्तार करवा नहीं सकते, इतनी ताकत नहीं रखते कि हम रोज़ा इफ्तार करवाएँ तो फिर ये सवाब हम तो नहीं पा सकेंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लाजमी नहीं है कि तुम सैराब करके किसी को खाना खिलाओ या पानी पिलाओ। अगर मज़का तो लबन, हुजूर ने फरमाया कि दूध का एक घूंट, और शिरवा मिनल मा, या पानी से एक घूंट, या हुजूर ने फरमाया कि खजूर का एक टुकड़ा भी अगर किसी ने दे के किसी का रोज़ा इफ्तार किया, अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसको पूरा सवाब अता फरमाया। और जिसने पूरा अहतमाम किया कि उसको सही इफ्तारी करवाई, उसको सैराब भी किया, उसको रजाया भी, हुजूर फरमाया अल्लाह ताला कयामत के दिन मेरे हाथों से उसे हौज़े कौसर का जाम नसीब करेगा। और फरमाया कि वो हौज़े कौसर का जाम जब उसे मिलेगा और वो पी लेगा तो रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में दाखिल होने तक हशर का सारा दिन, जो 50,000 साल का दिन होगा, फिर मैं उस सारे दिन उसको प्यास नहीं लगेगी। तो ये माहौल पैदा करें, लाजमी नहीं है कि आप बड़ा अहतमाम करें। अगर आप एक मुट्ठी खजूरों की जो है वो मस्जिद में भेज दें, या हमसायों के घर भेज दें, या किसी गरीब को दे दें कि जनाब आज ये रोज़ा मेरी जानब से आप खोल लें, तो वो खजूर दी हुई भी पूरे रोज़े का सवाब नामा अमाल में दर्ज कर देगी। किसी को घूंट पानी का पिला दें तो वो नामा अमाल के अंदर मुकम्मल सवाब रोज़े का लिख दिया जाएगा। और अगर अल्लाह ने आपको वसत दी है, ये सियासी इफ्तारियाँ छोड़ें, उन लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाएं जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। ये आजकल ये भी फैशन हो गया है कि अपनी नुमाइश के लिए इफ्तारी करवाई जाती है, उसमें कोशिश हो जाती है कोई वज़ीर मिल जाए, कोई MNA साहब मिल जाए, कोई MPA साहब मिल जाए, कोई ऑफिसर मिल जाए, और इस बहाने से उनकी दावत का मौका। और मैं कहता हूँ कि ये अक्सर उनका रोज़ा खुलवाया जाता है जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ ही नहीं है। वो दोपहर को भी खोल के आए हैं, वो सुबह भी खोला था उन्होंने, और अब भी वो बैठे हुए हैं, और हंसी आती है कि रोज़ा रखा हुआ ही नहीं, तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ज़रा अज़ान हो ले। तो ये सियासी इफ्तारियाँ छोड़ें। हुजूर ने इरशाद फरमाया सहाबा को कि तुम्हारे दस्तरखान से सवाए मुत्तकी के कोई ना खाए, यानी मुत्तकी तुम्हारे दस्तरखान से खाएं। और ये किसी बंदे की खुशबख्ती होती है कि उसके दस्तरखान से खाने वाले मुत्तकी हों, परहेजगार लोग हों। तो आप अल्लाह की मखलूक को दें अगर कोई भूखा हो, लेकिन अगर दावत करने का शौक़ हो तो किसी फ़कीर आदमी को, किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को। यार जो यानी एक कोना काट के जो है वो लेग पीस से बाकी फेंक देगा, उसे क्या कदर। वो जिस गरीब को कभी कुछ मिला नहीं, जब उसको खिलाएंगे तो उसकी रूह भी दुआएं देगी, उसका दिल भी दुआएं देगा, और अल्लाह की रहमतें तुम्हारे ऊपर नाजिल होंगी।